हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, हमारे पास क्वेश्चन है, किसी दीवार घड़ी की घंटे वाली सुई की लंबाई 0.06 मीटर है, तो सुई के सिरे का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो दिया है आर इक्वल टू 0.06 मीटर। हमें पूछा गया रेखीय वेग। रेखीय वेग क्या होता है? वी इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर होती है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर होती है 2 पाई अपान टी। तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से आर की वैल्यू है 0.06 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 अपान टी। टी जो है ये हमें आपातकाल कितना बनेगा, 12 घंटे। घंटे वाली सुई पूछा गया, किसी दीवार घड़े की घंटे वाली सुई की लंबाई इतनी है, तो पूरा एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगा, 12 घंटे। तो टी की अगर बात करें तो टी यहाँ पर है 12 घंटे। तो 12 इसको इनटू, इसको कर लेंगे 60 गुणा 60, इसको सेकंड में बदल लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, बी इक्वल टू 2 6 12 और 6 यहाँ से कट जाएगा 0.01। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू 3.14 अपॉन 6 इंटू 6, इसको लिख लेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आएगी 8.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी निकल के आ गया रेखी वेग बी इक्वल टू 8.7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड।